हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू चैनल मैथ्स मिंट बाय कमलेश आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास टेन के लिए मैथ्स एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर फोर एन बुक से चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स क्वेश्चन है एक क्यूबॉइडल ब्लॉक ऑफ साइड सेवन सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई ए हेमस्फेयर ये क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका हर साइड क्या है सेवन सेंटीमीटर है और उसके ऊपर एक सरमाउंटेड है एक हेमस्फेयर लगा हुआ है एक हेमस्फेयर व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमस्फेयर कैन हैव तो इस हेमिसफेयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है ये पूछता है एक क्वेश्चन दूसरा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड और ये जो सॉलिड बना इंक्लूडिंग ये क्यूबाइड क्यूब, क्यूब, क्यूबाइडल ब्लॉक जिसका वन साइड सेवन सेंटीमीटर है और ये हेमिस्फेयर तो ये कितना बनाएगा तो इसमें हम क्या देखेंगे ये क्यूबाइडल ब्लॉक का ये निकाल देंगे टोटल सरफेस एरिया उसमें क्या करेंगे ये हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे लेकिन ये एरिया जो है बेस ऑफ दी हेमिसफेयर मीन्स सर्कुलर रीजन ऑफ हेमस्फेयर जो है वो इसमें एडिशनल हो जाएगा इसलिए इसको माइनस कर देंगे मीन्स हेमिसफेयर का सरफेस एरिया निकाल ऐड कर देंगे क्यूबिकल के टोटल सरफेस एरिया में और माइनस कर देंगे हेमस्फेयर का ये सर्कुलर रीजन है सो इसलिए कि ये नहीं आएगा इस इसके ऊपर ढका हुआ है ये तो ये ये बाहर हो जाएगा इतना दूर इसमें नहीं आ पाएगा ये कवर नहीं करेगा इसके एरिया में इसलिए इसको माइनस कर देंगे तो लिख देते हैं गिवेन क्या है आंसर में ये गिवेन है एज ऑफ द क्यूब इजकअल टू सेवन सेंटीमीटर है ये सेवन सेंटीमीटर है इसलिए इसका डायमीटर भी सेवन सेंटीमीटर मैक्सिमम होगा तो लिख देंगे सेवन सेंटीमीटर शो द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिसफेयर कैन हैव इजकल टू सेवेन सेंटीमीटर इजकल टू एज ऑफ द क्यूब जो क्यूब का एज होगा वही इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर का लेंथ हो सकता है इसलिए सेवन सेंटीमीटर हो गया एक आंसर ये हो गया एगेन रेडियस रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर कितना हो जाएगा ये डायमीटर सेवन हो सकता है ग्रेटेस्ट तो ये हो जाएगा सेवन बाई टू सेंटीमीटर ठीक है अब एरिया ऑफ दी इसमें क्या करेंगे एरिया ऑफ दी सर्कुलर पोर्शन कवर्ड बाय हेमिस्फेयर ये सर्कुलर पोर्शन जो हेमिसफेयर से कवर्ड है उसका एरिया निकाल देंगे तो एरिया ऑफ द मेस्फेर एरिया ऑफ द हेमस्फेयर निकाल देंगे पूरा उसके बाद क्या करेंगे कितना कवर्ड है सो निकाल देंगे एरिया ऑफ द हेमस्फेयर कितना हो जाएगा टू पाई आर स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है हेमस्फेयर का एरिया का तो ये हो जाएगा टू इंटू ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू सेवन बाई टू इंटू सेवन बाई टू आर स्क्वायर हो गया ये सेवन ये से कैंसिल हो गया ये टू से कैंसिल हो गया और ये टू कैंसिल हो गया ट्वेंटी टू से एलेवन हो गया तो ये हो गया एलेवन इंटू सेवन इजकल टू सेवेंटी सेवन सेंटीमीटर स्क्वायर ये पूरा हेमिस्फेयर का एरिया हो गया है ना अब एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन ऑफ हेमिसफेयर ये सर्कुलर पोर्शन जो है ये गोल जो इसको कवर करता है इसके टॉप्स ये साइड को ये टॉप सरफेस को क्यूब का क्यूब के टॉप सरफेस को जो कवर करता है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा वो निकल जाएगा तो उसका निकाल देंगे एरिया ऑफ द सर्कुलर पोर्शन ऑफ हेमस्फेयर एरिया ऑफ द सर्कुलर पोर्शन ऑफ हेमस्फेयर कवरिंग द टॉप ऑफ क्यूब जो क्यूब का टॉप का कवर करता है इसका तो कितना हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर ये सर्किल बनाता है तो सर्किल का क्या एरिया होता है पाई आर स्क्वायर तो ये हो जाएगा ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू सेवन बाई टू इंटू सेवन बाई टू ये सेवन ये सेवन कट गया ये हो गया एलेवन तो ये हो गया एलेवन सेवन जा सेवेंटी सेवन सेवेंटी सेवन बाई टू सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है पाई आर स्क्वायर ट्वेंटी टू बाई सेवन आर के स्क्वायर के पर सेवन बाई टू सेवन बाई टू ये टू कट गया ट्वेंटी टू को तो एलेवन हो गया ये सेवन सेवन कट गया एलेवन इंटू सेवन सेवेंटी सेवन बाई टू सेंटीमीटर हो गया ये रीजन का जो इसका सर्कुलर रीजन है मीन्स बेस ऑफ दी हेमस्फियर वही सर्कुलर रीजन हुआ उसका निकल गया एरिया ठीक है अब निकाल देंगे टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ दूबाइडल ब्लॉक क्यूबाइडल ब्लॉक का टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है सिक्स इंटू एल स्क्वायर माना साइड स्क्वायर भी कर सकते हैं इसको एल स्क्वायर को तो सिक्स इंटू क्या हो जाएगा साइड कितना है सेवन है माने एक साइड कितना है एज कितना है सेवन है तो सेवन स्क्वायर तो सिक्स इंटू फोर्टी नाइन ये हो जाएगा टू नाइनटी फोर सिक्स नाइन नाइनजा फिफ्टी फोर फाइव बचा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर और फाइव ट्वेंटी नाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ये तीनों निकल गया अब निकाल देंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ये पूरा जो सॉलिड बना जो क्यूब और हेमिस्फेयर को इंक्लूड करके जो टोटल सरफेस एरिया हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज गल टू कितना हो जाएगा ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल ब्लॉक प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ठीक है माइनस इसमें क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन इसमें सबका वैल्यू निकाल चुके हैं उसको अब डाल देंगे ये हो जाएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर ये 294 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्यूबाइडल का क्यूब का पूरा उसमें से प्लस कर देंगे ये 77 निकाल चुके हैं हेमिसफेयर का यहाँ सेवन सें सेवेंटी सेवन सेंटीमीटर हेमिस एरिया ऑफ हेमस्फेयर ये निकल चुका है तो यहाँ सेवेंटी सेवन डाल देंगे और ये है सर्कुलर रीजन ऑफ हेमस्फेयर माने बेस का एरिया ऑफ हेमस्फेयर का सेवेंटी सेवन बाई टू तो माइनस सेवेंटी सेवन बाई टू ये हो गया टू नाइन्टी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस सेवेंटी सेवन में से हाफ सेवेंटी सेवन निकल गया तो सेवेंटी सेवन बाई टू ही रह जाएगा सेवेंटी सेवन बाई टू सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है अब ये हो गया टू नाइन्टी फोर प्लस सेवेंटी सेवन का हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा थर्टी एट पॉइंट फाइव ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया थ्री थर्टी टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है यही इसका आंसर हो गया ठीक है क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है लेकिन सावधानी से करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास समय से पहुँचता रहे थैंक